अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ लगा अच्छे होंगे। भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, वीडियो को स्किप मत करना भाई, वीडियो को लगातार देखो, आपको समझ में आएगा भाई। अगर कुछ भी चीज़ छूट जाएगी फिर मुझे मत बोलना भाई कि कमेंट सेक्शन में कि आपने भाई सही नहीं बताया, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई आपको। काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई कि हमारे कबूतर के अंडे ख़राब हो रहे हैं, कबूतर के अंडे में से बच्चे नहीं निकल रहे, बच्चे निकल रहे तो भाई बच्चे कोई गर्मी के कारण मर जाता है भाई, कोई अंडे में से बच्चा निकल ही नहीं पा रहा, कमज़ोर हो रहे बच्चे। तो भाई आप सभी लोग एक काम कर सकते हो अपने कबूतर के भाई, और आज मैं भाई आपको कबूतर के अंडे चेक करना भी सिखा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। काफ़ी भाई को भाई दिक्कत आ रही थी कि अपने कबूतर के अंडे चेक नहीं कर पा रहे थे, और भाई उसी कारण से उनके बच्चे भाई अंडे में नसें नहीं बनती भाई, और फिर बोलते भाई अंडे ख़राब हो गए, ये हो गए भाई। तो भाई आप सभी को एक काम करना है अपने कबूतर के लिए भाई, उसको प्रोटीन वाली चीज़ खिलाओ, जैसे चने की दाल खिला सकते हो, चना खिला सकते हो, बाजरा खिलाओ, गेहूँ खिलाओ, जो खिलाओ उसको भाई, और ये सब आप खिला के उसको काफ़ी हेल्थफुल बना सकते हो कबूतर को भाई। कबूतर की हेल्थ भी काफ़ी उनके लिए ज़रूरी रहती है। और भाई आप सभी को एक काम करना है, अपने कबूतर के अंडे चेक करने हैं ना, तो भाई अभी मैं आपको सिखाऊंगा वो वाला तरीका चेक कर लेना भाई। उसको आप ऐसे नहीं अंडे दिए और दूसरे दिन चेक करने लग जाओ भाई, उसको कम से कम 7 से 8 दिन बाद चेक करना, क्योंकि भाई कबूतर के उस टाइम नसें बन जाती है। और भाई आपको मैं आज अंडे में नसें नहीं बन रही वो भी दिखाऊंगा, और भाई अंडे में नसें बन रही वो भी दिखाऊंगा, अपने कबूतर के बच्चे भी दिखाऊंगा, और भाई काफ़ी आपको उसके रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। अगर भाई हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना सा आपको काम करना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई एक चीज़ आप सभी को मैं बताना भूल गया भाई, आपके कबूतर अगर फुल ब्रीडिंग करते हैं और भाई आपके बच्चे निकलते हैं तो भाई आप उसको गिला दाना खिलाओ। देखो भाई मेरे कबूतर खा रहे हैं, मैं आप दिखाता हूँ भाई, जैसे गेहूँ है उसको भाई शाम को आप पानी में भिगो दो, और शाम को भाई उसको निकाल के वापस और उसको भाई कबूतर को खिलाओ, उससे भाई आपके काफ़ी हेल्थ और काफ़ी अच्छे बच्चे पलेंगे भाई, क्योंकि उनको पचाने में बच्चे को आसानी होगी भाई। अभी मैं दिखाता हूँ आपको दाना, देखो मेरे सारे कबूतर दाना खा रहे थे, और भाई ऐसा आपको दाना कर लेना है बिल्कुल भाई, पिघलना चाहिए भाई, देखो देखो भाई ऐसे टूट रहा है हाथ से भाई, आपको मैं दिखाता हूँ, और देखो भाई हाथ में ले रहा हूँ तो देखो भाई कैसे टूट रहा है पूरा। तो भाई ऐसा आपको दाना लेना है भाई, और ऐसा होना चाहिए, और भाई मेरे कबूतर हाथ पे भी दाना खाते हैं, आप सभी को भी मैं वीडियो के अंदर दिखा दूंगा भाई। ऐसे आपको कबूतर के लिए ईंट का बुरादा भी करना है भाई, जैसे कि कोई पुरानी ईंट होना भाई, उसको ऐसे पीस के उसका बुरादा कर दो भाई, क्योंकि कबूतर काफ़ी शौक से खाते हैं। और भाई देखो मेरे सारे कबूतर बाहर है, और भाई ये जोड़ भी अंडे दे चुकी है भाई, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, और आज इस जोड़ ने अंडे दे दिए भाई, इसके अंडे भी दिखा दूंगा मैं। और भाई मेरे सारे कबूतर देखो भाई काफ़ी हेल्थफुल है, ये भाई अपने कबूतरी आई भाई। ऐसे मोबाइल की प्लस ऑन करके भाई आपको ऐसे कोने के अंदर अंदर अंधेरा होना चाहिए भाई, फिर अंडा लेके कबूतर का भाई, पहले आपको मैं फेक अंडा मतलब जो अंडे में नसें नहीं बन रही वो दिखाता हूँ भाई। कहाँ पे गया अंडा, इधर अंडा था भाई, इधर अंडा कहाँ से चला गया भाई। ये अंडा जैसे भाई मैंने ये अंडा लिया भाई, देखो अब भाई इसके अंदर कोई नसें नहीं, आप सभी को साफ दिख रही होगी भाई, कोई नस नहीं है इस अंडे के अंदर भाई। तो ये मतलब अभी अभी ताज़ा अंडा है भाई, आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो। और भाई अब मैं 3 से 4 दिन के अंडे भी दिखाता हूँ आप सभी को, ये भाई 3 से 4 दिन का अंडा है, और भाई इसमें देखो आप फिटेबल है भाई, इसमें नसें बन रही है। तो भाई देखो इसके अंदर साफ आपको नसें दिख रही है भाई, ऐसी है कबूतर की नसें चेक कर सकते हैं अंडे की भाई। और देखो इसमें भाई पूरा बच्चा प्रॉपर बन रहा है भाई, बच्चे का दिल बन चुका है भाई, ऐसे आपके कबूतर के भी बनने का भाई देखना। और भाई देखो ये तीसरा अंडा भाई, इसमें देखो भाई प्रॉपर बच्चा बन रहा है भाई, इसके अंदर भाई साइड साइड में छेद है भाई, देखो बाकी भाई प्रॉपर बच्चा बन रहा है इसके अंदर, और भाई 3 से 4 दिन में इसमें बच्चा निकलने वाला है। और भाई ये देखो अपने जोड़ फुल अंडे के ऊपर बैठी हुए, और भाई ये बच्चा अपना भाई भूख लग रही है शायद, इसके माँ बाप अंदर नहीं, इसको दाना नहीं चुकाया, अभी भाई माँ बाप आएंगे इसको दाना खिला देंगे। और भाई इधर एक और बच्चा है, इधर अंडे है, और भाई इधर भी अंडा है, और भाई ये काफ़ी अंदर है इसलिए भाई दिखते नहीं है आसानी से, भाई थोड़े बहुत दिख रहे होंगे आपको भाई, देखो कितनी ज़्यादा टकली के अंदर से गुजरना पड़ता है भाई, और लॉफ्ट के अंदर जगह भी नहीं है भाई, इतनी सी जगह है बस भाई। ये देखो इधर भाई एक अंडा है, अपने सारे कबूतर दाना खा रहे हैं भाई, इनको दाना पानी कर देते। और भाई मैं आपको बोला था हाथ पे खिला के दिखाऊंगा भाई, अभी देखना मैं हाथ पे खिलाऊंगा अपने कबूतरों को दाना। तो भाई देखो आ जाओ भाई, देखो पहला अपना कबूतर हाथ पे दाना खाने आ गया भाई, देखना धीरे धीरे सारे आ जाएंगे।
फाइनली गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मिनी पिज्जा को सब्सक्राइब लाजम कर दीजिएगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो के अंदर, तब तक ले दीजिए अल्लाह हाफिज। भाई ये मेरा भाई है छोटा वाला, काफ़ी प्यारा है देखो भाई। और ये भाई मेरे बुआ का लड़का है भाई। अब कबूतर ने दाना पानी कर लिया।